करौली में कोरोना महामारी को लेकर मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि जिले में श्रमिक और गरीब जरूरतमंद लोगों का सर्वे कराकर उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाया जाए। इसी के साथ बाहर से आए हुए श्रमिकों को योजना का लाभ दिलाने के भी निर्देश दिए, जिससे कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए। इस अवसर पर मंत्री ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को पेयजल समस्या को लेकर भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मोहन लाल यादव ने इस पर बताया कि जिले में अब तक 61,000 से ज्यादा श्रमिक आ चुके हैं, जिसमें पात्र व्यक्तियों का फिलहाल सर्वे जारी है। इस दौरान SP अनिल कुमार बेनीवाल, ADM सुदर्शन सिंह तोमर सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। पीरियड चल रहा है हमारा और लॉकडाउन फूड जो चल रहा है उसमें सारे हमारे कलेक्टर और SP के माध्यम से जो दिशा निर्देश सारे अधिकारियों को और जिले में जो मॉनिटरिंग स्कीम चल रही है वो कल हमने कोरोना सेंटर भी देखे थे तो काफी अच्छा सुधार है और पूरी अच्छी मॉनिटरिंग चल रही है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे प्रवासी और भी आएंगे मजदूर भाई, तो हमारी मॉनिटरिंग क्वारंटाइन की व्यवस्था ऐसी रहे तो ये इस बीमारी पर जो भी हमें पता लगे, और हम आप लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप लोगों का भी